और अब बारी है जानने की आज का महाउपाय क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश। जी बिल्कुल, आज हम आपको बता रहे हैं कि दो दिन बाद हम लोग जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन उसका संदेश क्या है, उसका उपदेश क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। आज मैं आपका ध्यान एक बार पुनः उस ओर आकृष्ट करता हूँ। पाप और शोक के दावानल से दग्ध इस जगत तल में भगवान ने पदार्पण किया था जन्माष्टमी के दिन में। इस बात को आज 5 सहस्त्र वर्ष हो गए हैं, अर्थात लगभग 5000 वर्ष हो गए। वे एक महान संदेश लेकर के पधारे हमारे इस मृत्यु लोक में। केवल संदेश ही नहीं, कुछ और भी लेकर के आए थे। वो एक नया सृजनशील जीवन लेकर के आए थे हमारे बीच में। एक मानव के कल्याण की जो भावना थी वो लेकर के आए थे। वो मानव प्रगति में एक नया युग स्थापित करने आए थे। इस जीर्ण शीर्ण रक्त प्लवित भूमि को एक नया स्वप्न देने आए थे। एक नए स्वप्न के साथ उन्हें एक नया जीवन शैली देने आए थे। एक नई ऊर्जा से संचारित करने आए थे। भगवान विष्णु का जो स्वरूप था, कृष्ण स्वरूप, उसका प्रमुख जो कारण था वो यही था। जन्माष्टमी के दिन उसी स्वप्न की स्मृति में महोत्सव आज भी मनाया जाता है। हम लोगों में जो इस तिथि को पवित्र मानते हैं, कितने ऐसे हैं जो इस विनश्वर जगत में उस दिव्य जीवन के अमर स्वप्न को प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो उस भावना को समझ सकते हैं। हम लोग बस एक पर्व है, एक तिथि है, उसको जिस तरीके से मनाते आ रहे हैं, एक धर्म से मनाते आ रहे हैं, उसी हिसाब से उसको हर वर्ष मनाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तिथि और पर्व की भावना को समझना चाहिए, उसके पीछे का रहस्य समझना चाहिए। श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में मधुर मुरली के मोहक स्वर में कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में गीता के रूप में सृजनशील जीवन का वह संदेश सुनाया था भगवान श्री कृष्ण ने, जिसे हम नाम रूप रूढ़ी तथा सांप्रदायिकता से परे जानते हैं। रणांगण में अर्जुन को मोह हो गया। भाई बंधु सुहृद मित्र कुटुंब परिवार आचार व्यवहार और कीर्ति अपकीर्ति, ये सब नाम रूप ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने यही सारे उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन सबसे ऊपर उठने को कहा। व्यष्टि से उठकर के समष्टि में अर्थात सनातन तत्व में तत्व की ओर जाने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। वही सनातन तत्व जो है वह आत्मा है, तत्वमसि जिसे हम कहते हैं, अर्थात मनुष्य तू आत्मा है, परमात्मा प्राण है, मोह रज्जु से बंधा हुआ ईश्वर है, 84 जो योनियां कहते हैं इसके चक्कर में पड़ा हुआ एक चैतन्य मात्र है। क्या यही गीता का उपदेश जो है वो सार नहीं है? तो आज की तिथि में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप इस भावना को समझें और उसके अनुरूप इस पर्व को मनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश था उसे हर क्षण जीने का प्रयास करें। क्या हम और आप सभी शांत और अनंत की ओर नहीं जा रहे हैं? क्या हम आप भगवान को दिन रात नहीं खोजते हैं? अपने हृदय वल्लभ की टोह में यदि आप देखें तो आपको अपने ही अंदर कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण मिल जाएगा, और वही हमारा आपका प्रियतम है। तो आपको उन्हें हर समय अपने मन में ध्यान रखना चाहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि श्री कृष्ण यदि जन्माष्टमी पे एक बार आते हैं हमारे घर में, लेकिन हमारे और आपके हृदय में हमेशा वास करते हैं। तो आप किसी मनुष्य को मनुष्य की तरह से देखें और उसकी सेवा करें, और जो हमारा धर्म, जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता के स्वरूप में दिया, उसको पालन करने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने आज कही है आचार्य जी। बहरहाल आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल मुझे दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।